अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी आज दो काम थे और उनमें से एक करने जा रहे हैं, दूसरा रह जाएगा, वो इसलिए कि वो थोड़ी दूसरी साइड पे है और ये एक साइड पे पड़ जाता है। पिज़्ज़ा तो लेने जाने थे दो बंदों से, एक के पास थे छोटे बच्चे जो कि हैंड टेमिंग के लिए यूज़ करने थे। काफ़ी टाइम से मैं वो उस ब्रीड के बच्चे ढूँढ रहा हूँ हैंड टेम और मोटरसाइकिल के साथ लगाने के लिए। क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्या उस ब्रीड की ख़ास बात है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो दूसरी तरफ पिजन्स लेने जाने थे, उनका ये था कि जो मेरे घर में सारे पिजन्स पड़े हुए हैं उनके साथ वो मिक्स करने थे। वो जो उसके पास कबूतर हैं वो बाहर फसलों में जाते हैं दाना पानी खाने के लिए, बाहर ही यानी घर से निकलते हैं, पता नहीं कितनी कितनी दूर जाके फसलों में जाके बैठ जाते हैं। तो मेरा भी शुरू से ही बचपन से था कि ऐसे मेरे पास आज़ाद कबूतर हों जो जाएँ जब दिल करे उड़ जाएं और बाहर से दाना पानी खा के घर आ जाएं, बाहर जाएं। तो वो करना ऐसा होगा कि उनसे जो दो चार पट्ठे मेल या फीमेल लेके आऊँगा, ला के इनके साथ पेयर बनाऊँगा और पहले तो उनको घर का पक्का करूँगा क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई ऑलरेडी वो बाहर रहने की, बाहर जाके दाना पानी खाने की। और इंशाल्लाह अगर वो पक्के हो गए घर के तो उम्मीद है कि वो जब बाहर जाएंगे मेरे से घर से साथ दूसरे भी एडजस्ट हो जाएंगे और उनको भी आदत लग जाएगी। और मुझे बचपन से ऐसे कबूतरों का शौक है, चलो बाहर जाके दाना पे जो हाथ पे हैंड टेम नहीं है वो वाले। और जो ब्रीड के बच्चे भी लेने जा रहा हूँ वो है, उनको पाकिस्तान में इसराइली खाल बोलते हैं, जिस तरह एक और ब्रीड है मुझे डैनिश हो गए या एक और है मैं उसका भी नाम भूल गया, डैनिश की तरह के होते हैं उनकी सेम कॉपी। डैनिश ज़रा डबल साइज़ में वेट शेप में आ जाते हैं और इनका वेट साइज़ थोड़ा छोटा होता है और दो तीन कलर्स में होते हैं, यानी कि एक तो फुल ब्लैक गर्दन होती है और ब्लैक टेल होती है, इसी तरह रेड ब्राउन टाइप गर्दन और ब्राउन टेल। और सबसे जो अहम बात, इनकी आईज़ बड़ी प्यारी होती हैं, प्योर वाइट शीशे की तरह होती है। और तीसरा ये है कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, स्लिम स्मार्ट होते हैं और मोटरसाइकिल के साथ उड़ने के लिए बड़े फिट हैं, परफेक्ट होते हैं। ये तीन चार खासियतों की वजह से मैं इनके बच्चे ढूँढ रहा हूँ। एक तो उनकी आईज़, बॉडी छोटी बड़ी, स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, कलर पैटर्न बहुत प्यारा है और स्पीड भी अच्छी होती है। और अभी उनके बच्चे लेने जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। अभी जा रहे हैं तकरीबन, ये थोड़ा सा रास्ता रह चुका है और उनके घर पहुँच जाएंगे चिक्स लेने के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ चिक्स। ये थोड़ी नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस होने लगी है यहाँ पे, वो जो ज़मीन में अंदर गाड़ते बने क्या होता है उसे बोलते हैं, उखाड़ने के लिए। और अभी बस स्टार्टिंग होने वाली है। और ये निकाल लिया गया, ये मिसिंग हो गई। अभी थर्ड की बारी है, ये चेक करें।
निकले, ये भी मिस हो गया, दो मिसिंग पे गए हैं और एक भी। और फाइनली बच्चा ले आए हैं। इसके तरह के मेरे पास ऑलरेडी पेयर्स हैं, एक ब्लैक पेयर है जिसके ब्लैक हेड है, ब्लैक टेल है, और एक मेल एक्स्ट्रा पेयर है, ये बच्चा है। मेरी तरफ ब्रीड की नहीं है जिसकी वजह से मुझे आगे से ये लेना पड़ा है हैंड टेमिंग के लिए। और ये बाकी चेक करें जी, निजाबादी की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। चाल चलिए मुड़, तेरा मंडी का भी टाइम हो ना। और फाइनली पहुंच आए हैं हम घर, और इसके तरह का ये देखें, ऑलरेडी मैंने पेयर लिया हुआ है। इसका जो कलर है बिल्कुल सेम पैटर्न बनेगा, ये ब्लैक है देखें, गर्दन पर इनके विंग्स जो आ जाते हैं सफ़ेद आ जाते हैं, और बाकी हेड और टेल इनकी ब्लैक है। इनका फ़र्क ये आ जाना है, इसका ये चॉकलेट कलर डार्क ब्राउन आ जाना है टेल, और ये हेड। आइज़ बहुत प्यारी आ जाती हैं, बिल्कुल प्योर वाइट, बहुत साफ आइज़ के बनते हैं, और जिसामत भी अच्छी है। इसके अलावा उड़ने के लिहाज से बड़े अच्छे हैं। ये कासिद का पेयर, इनका बच्चा भी मैंने ट्रेन किया था निकलवा के, अभी दोबारा अंडे नहीं दे रहे, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ कुछ, एक मे भी अंडों पर आए, और ये एक पेयर है, ये भी अंडों की तैयारी पर, ये कासिद है, रेसर मिक्स है, यानी कि इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है, थोड़ा सा फैंसी रेसर में आ जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चे प्यारे निकालता है। वो पीछे है, वो कलाबाजी हैं, खेलने वाले कबूतर हैं जिनको बोलते हैं। ये एक सैटिनट का पेयर है, कि ये है हमारा, और ब्लैक टेल है, वो देखें लग के, एक पेयर वो ऊपर लगा हुआ है, वो भी अंडों पे आया हुआ है, और ये एक देखें मेल, इसकी आइज चेक करें, और कलर इसके गर्दन का टोटली चेक करें, ये देखें माशाल्लाह से बड़ा प्यारा, ये भी मेल है। ये चेक करें, तो इस तरीके से ये भी बनेंगे इंशाल्लाह, इसको करते हैं ट्रेन और देखते हैं क्या बनता है आगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।